एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम लोग एसक्यूएल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लीड कोड पे होगा। तो लीड कोड का ये जो लिंक है, लीड कोड स्टडी प्लान टॉप एसक्यूएल 50 क्वेश्चन का, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 32 क्वेश्चन को सॉल्व किया है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में। तो ये मैंने आज से 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने सॉल्व किया था। और इस कोर्स का, इस जो वीडियो सीरीज होगी, इसका प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपको बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एसक्यूएल की ट्यूटोरियल पर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगी। और ये जो कोर्स होगा, मतलब ये जो वीडियो सीरीज होगी एसक्यूएल 50 का, ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए होगा। तो मैं हर एक चीज को जो है डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग चाहते हो कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ और आप वीडियो देखना चाहते हो, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। मैं हर एक चीज को जो है स्क्रैच से समझा रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम अपने डीएसएस की सीरीज की, तो जो डीएसएस की हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियोस, और आगे भी मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि ये वाली जो डीएससी अभी कंप्लीट हुई नहीं है हमारी, तो मैं पैरेलली वीडियोस अपलोड करूंगी दोनों एक साथ ही। तो सो डोंट वरी कि मैं डीएससी को साइड में रख के एसक्यूएल नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो डीएससी में भी आप लोग देख लो, मैंने बहुत से लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो प्लीज आप लोग वीडियोज को देखना जरूर, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अब बात करते हैं एसक्यूएल के एसक्यूएल 50 क्वेश्चंस पे। तो इस वाले पे आप लोग क्या करो, आई सजेस्ट यू कि आप मेरी गिटहब के लिंक को जरूर फॉलो करो। इसका लिंक भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। तो जो गिटहब पे मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग रिपोजिटरी बनाई हुई है। तो जैसे एसक्यूएल के लिए मैंने एसक्यूएल 50 लीड कोड क्वेश्चंस बनाया हुआ है, बिट मैनिपुलेशन की भी बनाई हुई है, रिकरेंस रिलेशन, एमोर्टाइज्ड एनालिसिस, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैथमेटिक्स, पैटर्न प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारी मैंने रिपोजिटरी बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एसक्यूएल 50 लीड कोड को ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने लीड हब नाम का एक एक्सटेंशन होता है, क्रोम एक्सटेंशन, उसको मैंने यूज करके जो है अपने लीड कोड के क्वेश्चन को गिटहब पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर तो आप लोग को मिल जाएगा जो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओगे, तो ये मैंने एक यूजर इंटरफेस के लिए जो है मैंने एक चीज बनाई है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स, फाइंड कस्टमर रेफरी, बिग कंट्रीज, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वीडियो लिंक के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, और वीडियो का पीडीएफ, मतलब जो भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगी उसका पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करना। और अगर आपको डायरेक्ट कोड पे जम करना है, तो कोड के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक यूजर इंटरफेस के लिए मैंने ये चीजें बनाई है, तो आप लोग इसको जरूर से एक्सेस करना। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और मुझे गिटहब पे भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है, और ये यहाँ पर इसमें हमारे पास टेबल का नाम दिया है प्रोडक्ट्स, टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, टेबल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास कि टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स है। 3 कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी है, लो फैट्स है, और हमारा रिसाइकलेबल नाम का कॉलम है। और कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है, कॉलम के अंदर के वैल्यूज का टाइप दिया हुआ है कि प्रोडक्ट्स आईडी का जो कॉलम है उसके वैल्यूज जो है हमारे इंट टाइप के हैं, और लो फैट्स और रिसाइकलेबल हमारा जो है इनम टाइप का है। और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली हमें टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट आईडी जो क्या है हमारा, प्राइमरी की है, हमें बोला है प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है यूनिक वैल्यूज रहेंगे, मतलब सेम वैल्यू नहीं हो सकता है, जैसे रोल नंबर या फिर आईडीज वगैरह होते हैं प्राइमरी की, और इसमें नल वैल्यूज भी नहीं रहेगा। तो ये प्राइमरी की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिख दिया है कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज, ठीक है, फॉर दिस टेबल। और लो फैट जो है इनम टाइप की कैटेगरी का है। इनम टाइप, इनम क्या होता है, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है कैटेगरी का है, ऑफ टाइप वाई और एन, तो इसमें जो वाई और एन टाइप का होगा, और ये वाई और एन देखो जो है सिंगल कोट में, मतलब स्ट्रिंग में है, तो इसीलिए जो इनम जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, और वाई का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो लो फैट है, और एन का मतलब है कि वो लो फैट नहीं है। इसी तरीके से जो है हमारा रिसाइकलेबल में भी वाई अगर है तो मतलब रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है, और अगर एन है मतलब रिसाइकलेबल नहीं है। तो ये चीज लिखा हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज, मतलब हमें सिर्फ आईडीज निकालना है प्रोडक्ट्स का, हमें क्या शो कराना है, आईडी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि डेट आर बोथ लो फैट्स एंड रिसाइकलेबल, मतलब दोनों होनी चाहिए, लो फैट भी होनी चाहिए और रिसाइकलेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ओके। तो हमें यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि हमें इनपुट भी दिया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट नाम का टेबल है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट और रिसाइकलेबल। प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0, 1, 2, 3, और हमें जो शो कराना है सिर्फ आईडी ही शो कराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमें सिर्फ आईडी शो कराना है जो कि लो फैट और रिसाइकलेबल हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम लोग अपने कॉलम्स का नेम लिखते हैं, और हमें क्या कॉलम चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट आईडीज, ठीक है, प्रोडक्ट आईडीज,
और उसके बाद हम लोग अपने टेबल का नाम लिखते हैं एसक्यूएल में। तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स है हमारा, अच्छा आई डीज नहीं है, आई डी है ओनली, ठीक है। प्रोडक्ट्स से हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट आई डी ले रहे हैं, तो ये क्या करे, पूरा प्रोडक्ट आई डी ले रहे हैं, हमें पूरा प्रोडक्ट आई डी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर, यहाँ पे वेयर में क्या है, हमें बोला है कि जो दोनों हो, लो फैट भी हो और रिसाइक्लेबल भी हो, तो लो फैट को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लो फैट्स, फैट्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई, लो फैट जो हमारा वाई होना चाहिए, एंड हमारा रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल भी क्या होना चाहिए, हमारा वाई होना चाहिए। बट हमें पता है कि ये तो वाई तो हम लोग सिर्फ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनम कैटेगरी का है, और इनम कैटेगरी में हम लोग जो है ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे वाई, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी हमारा जो है सिंगल कोट में होगा वाई, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, तो ये सबमिट भी हो गया हमारा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आगे की सीरीज को भी जरूर से फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।